Hi everyone, welcome to our YouTube channel Chauhan Videos in association with an academy, India's largest online learning platform. ये मेरी प्रोफाइल है an academy पे, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. मेरा नाम है प्रतिमा चौहान. अभी वहाँ पे SSC की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जो कि फ्री हैं सबके लिए, तो इन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है. और अन अकेडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, प्रतिमा चौहान नाम से हूँ. और अगर अन अकेडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अपने सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं. अन अकेडमी पे बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जैसे UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस, जी, नीट, स्टेट PCS, NET एग्जाम्स हो गया आपका, गेट के इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, टेट एग्जाम की तैयारी होती है, CA CS. कहने का मतलब ये है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आप सबकी प्रिपरेशन अन अकेडमी से कर सकते हैं. करना बस इतना है कि आपको अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है. एक सब्सक्रिप्शन से आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नंबर ऑफ बैचेस में एनरोल खुद को कर सकते हैं और अपने मनपसंद एडुकेटर से पढ़ाई कर सकते हैं. यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस करने को मिलती हैं और यहाँ पे रेगुलर डाउट सेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है. आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं. जो स्टूडेंट UPSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पे आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाती है. स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में दिया जाता है, और ठीक है, बहुत सारे जो आपका एग्जॉस्टिव सिलेबस होता है उसको एक ल्यूक्रेटिव वे में यहाँ पे करवाया जाता है. तो अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एडुकेटर्स हैं यहाँ पे, तो उनसे आप अपने मनपसंद एडुकेटर से यहाँ पे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं. यहाँ पे एक SSC का प्रोफाइल मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है कि जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि यहाँ पे SSC है, ये SSC का प्रोफाइल है. SSC के एक साल की फीस है 6,000, ठीक है. अभी आप अगर उसमें हमारा कोड चौहान वीडियोस अप्लाई करेंगे, ये है, जैसे आप इसमें अप्लाई किया तो आपका कोर्स की फीस हो गई 5,400, तो आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है. तो ये कोड है हमारा, इसको ध्यान रखेंगे. ये कोड सभी कोर्सेज के लिए वैलिड है, सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है. आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये हमारा कोड है चौहान वीडियो, जिसको अप्लाई करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा. तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. आज की वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ, आज हम मेंसुरेशन 3D की बात करेंगे. कुछ टॉपिक्स हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगी मेंसुरेशन 3D में. तो जब हम 3D की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आता है 3D है क्या और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो 3D मतलब 3 डायमेंशनल, ठीक है, जिसमें हम एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं. यानी पहले हम लेंथ और ब्रेथ की बात करते थे 2D में, इसके साथ एक टॉपिक और एक कॉन्सेप्ट और ऐड हो गया जिसे हम कहेंगे हाइट. तो यहाँ पे हाइट की भी बात करेंगे, ठीक है. तो 3D में हम बात करते हैं एरिया और वॉल्यूम की, जिसमें हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की बात करेंगे. 3D मेंसुरेशन 3D के टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका सिलेंडर, राइट. जैसे आपका टॉपिक है, मान लीजिए सिलेंडर है, उसके बाद कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, प्रिज्म, पिरामिड, और आपका फ्रस्टम, ठीक, और आपका स्फेयर. ये आपके 3D के टॉपिक्स हैं. तो प्रिज्म और पिरामिड के अंडर आपके सिलेंडर आ जाता है, आपका क्यूब, क्यूबॉइड आ जाते हैं. उसके बाद हम जब पिरामिड की बात करते हैं तो उसमें कोन आ जाता है, ठीक है. तो किस तरीके से हम इनको फिर आगे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. तो आज का हम टॉपिक ले लेते हैं अपना प्रिज्म. प्रिज्म की बात करेंगे, प्रिज्म को समझेंगे क्या है. तो प्रिज्म सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि प्रिज्म का जो टॉप होता है और बेस होता है वो दोनों सेम होते हैं. तो जैसे ये एक मान लीजिए आपका सिलेंडर है, ठीक है. तो सिलेंडर का देखिए टॉप है ना, ये सिलेंडर का टॉप है और सेम ऐसा ही सिलेंडर का बेस भी है. तो टॉप और बेस क्या हो गए सिलेंडर के, सेम हो गए टॉप और बेस. तो ये प्रिज्म की कैटेगरी में आ गया. लेकिन प्रिज्म की एक और यहाँ पे एक और फीचर होता है प्रिज्म का, कि उसके जो लेटरल फेस होता है, ठीक है, उसका जो लेटरल फेस होता है, साइड फेस जिसे कहेंगे, वो रेक्टेंगल शेप में होता है. वो रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक है.
जो लेटरल फेस होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है। ट्रायंगल का यहाँ पे जो लेटरल फेस है यानी साइड फेस है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में नहीं है। तो क्या सिलेंडर को हम प्रिज्म कैटेगरी के अंडर रखेंगे? तो मैथमेटिकल अगर हम बात करें तो सिलेंडर हमारा प्रिज्म कैटेगरी के अंडर नहीं आता, लेकिन क्योंकि हम इसमें जो वॉल्यूम लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं और टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, उसके सभी फॉर्मूलाज प्रिज्म के सभी फॉर्मूलाज सिलेंडर पे अप्लाई होते हैं, तो इसलिए हम सिलेंडर को प्रिज्म की कैटेगरी के अंडर में रखते हैं। ठीक है, इसमें दूसरी चीज है, जैसे क्यूब है आपका, ये है आपका क्यूब, इसका ऊपर का आप टॉप देखिए और इसका इसका आप टॉप और बेस दोनों देखेंगे, ये और ये टॉप है, ये इसका बेस है, दोनों सेम है, तो इसलिए ये किस कैटेगरी के अंडर में है? ये प्रिज्म के अंडर में। ठीक है, तो प्रिज्म कैटेगरी के आपको समझ में आया कि दो इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक कि टॉप और बेस इसका सेम होता है, और दूसरी चीज क्या होती है इसमें कि जो साइड फेस होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है। तो ऐसे सभी फिगर, सारे फिगर जो जो इस दोनों कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेंगे वो हमारे प्रिज्म कैटेगरी के अंडर में आएंगे। तो जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, अगर हम कुछ जनरल फॉर्मूलेज ले लें, है ना, तो किस तरीके से हम अपना वॉल्यूम को वॉल्यूम निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, तो वो सब सीखेंगे। तो प्रिज्म के जनरल फॉर्मूलेज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो प्रिज्म का जनरल फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम निकालने का, वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। फिर इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। और टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो ये हैं इसके जनरल फॉर्मूले। जो प्रिज्म कैटेगरी के अंडर में जितने भी फिगर आएंगे वो सभी फिगर का जो जनरल फॉर्मूलेज होंगे तो वो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देती हूँ, जैसे हमने लिया सिलेंडर, ठीक है, हमने क्या लिया यहाँ पे? सिलेंडर लिया। सिलेंडर की बात करते हैं, ये आपका सिलेंडर बना, इसमें कैसे ये अप्लाई होगा वो देखेंगे। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? आर हो गया, और ये यहाँ पर से यहाँ पर क्या हो गया इसका? ये हाइट हो गई, और ये भी क्या हो गया? आर हो गया। ठीक है, वॉल्यूम जब निकालेंगे तो प्रिज्म का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है? एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितनी गिवन है इसमें? एच, तो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। यही हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर एच आया कैसे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो बेस है वो एक सर्कल है तो लेटरल ना कह के हम इसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है जनरल, वो क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, है ना? पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस क्या है? एक सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच। तो आ गया ना कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर एच, यही होता है। आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया है। अब क्या बचा हमारा? टोटल सरफेस एरिया। क्या बचा है? टोटल सरफेस एरिया, उसे भी देख लेते हैं। ठीक, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया
प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होता है ना, टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ये किसी भी प्रिज्म को निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है। लेटरल सरफेस एरिया यानी पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पैरामीटर ऑफ बेस क्या था 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। एरिया क्या था सर्कल का पाई आर स्क्वायर, यानी ये हो गया पाई आर स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई इसलिए करी क्योंकि प्रिज्म में टॉप और बेस देखा जाता, दोनों सेम है, ठीक है, सेम है, दोनों एक जैसे हैं, तो 2, तो यहां से हम 2 पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा एच प्लस आर, तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया यही होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो निकालने का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने ये डिराइव किए हैं, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में बात करी कि प्रिज्म का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, और प्रिज्म को सिलेंडर में कैसे अप्लाई किया मैंने, वो मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।